जो उनको बोझ में डाले हुए थी, और पाक चीजों को हलाल करता है और नापाक चीजों को हराम करता है। जिन्होंने पैगंबर की इज्जत की, ईमान लाए और मदद की और उस नूर इलाही की पैरवी की जो नाजिल हुआ, यही कामयाब लोग हैं। नबी सल्लम फरमाए, ऐ लोगो कह दो कि मैं तुम सब की तरफ रसूल हूँ, मैं उस अल्लाह का रसूल जिसके हाथ में कायनात की सारी मुल्क है, वही जिंदा करता और मारता है, इलाहे बरहक, अल्लाह और रसूल पे ईमान ले आओ। वो नबी उम्मी, वो जो अल्लाह पे और कलिमात पे यकीन रखता है, उसी की इत्तबा करो, हिदायत पाओगे। और दुरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, ऐ लोगो, अल्लाह से डरते रहो, और उस दिन से डरो जिस दिन वालिद वालिद बेटे के काम नहीं आएगा, ना बेटा वालिद के काम आएगा। बेशक रब का वादा सच्चा है, तुम्हें दुनिया की चमक धोखे में न डाल दे और शैतान मर्दूद तुम्हें धोखे में न डाल दे, धोखेबाज। जो मुत्तकी है उसको बेहतरीन अंजाम मिलेगा दुनिया और आखिरत में। अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह मुत्तकी लोगों को फलाह के साथ निजात देता है, क़यामत के दिन उनको दुख ना पहुंचे। رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।